तो ये हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये सारे बंदे हम लोग ज़्यादा पीछे आ रहे हैं, अभी दिखाते हैं कौन कौन बंदे हमारे साथ जा रहे हैं। ठीक है, और हमारे ट्रेन के बारे में सब कुछ बताएंगे अभी, क्या क्या है, क्या क्या सीन नहीं है। ठीक है, तो इसने छोटा मोटा जो रास्ते का वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, ये कोई चाचा, ये जस्सी, ये भाई बहुत सबसे मिलवाएंगे। ठीक है, तो ये हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। भीड़ पूरी है जी देखो, और हम हो चुके हैं लेट, 5 मिनट हो चुके हैं लेकिन पहुंच जाएंगे। ये देखो भीड़ तो खुद है, 14 नंबर है अभी तो, अभी तो पीछे की तरफ है, देख रहे हो भाई साहब बहुत आगे है और हम बहुत अभी पीछे हैं। लेट हो गए ना, जैसे 6 बजे निकले हम लोग तो 6:40 की ट्रेन है। देखते हैं कहाँ है, देखते हैं। ये लगी हमारी ट्रेन और हम हो चुके हैं लेट, सच में बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी। अरे देखते हैं कौन से वाले में सीट मिलेगी, क्योंकि पता नहीं बहुत जगह पीछे जाना पड़ेगा। हमारी सीट जहाँ पर है हम जल्दी जल्दी फटाफट पहुँचते हैं। ये देखो खड़े हैं सारे लोग, हम लोगों का है 36 है, 36 में जाएंगे हम लोग। 4 मिनट बचे हैं बस ट्रेन छूटने को, 4 मिनट। ये है अमृतसर जंक्शन, जा रही है अमृतसर जंक्शन जा रही है। ये देखो सीटिंग वेटिंग सही है, D6 खाली बढ़ी है ट्रेन। लेट क्या करेंगे, लेट के जाएंगे, लेट के कितना क्या लेट के जाएंगे, पूरा लेट फैर फैल के कब्जा कर लेंगे पूरा भी घुसते ही अंदर। कैसे मेरे भाई लोगों, सबको गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं और मैं हूँ सोनीपत। तो मैं सुबह जल्दबाजी में वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाया था क्योंकि 4 बोतल वोदका का और काम इसका रोज का, काम इसका रोज का। मेरा भाई ऐसे होते कैसे, यही हुआ था। तो हम जा रहे हैं अमृतसर, हम लोग मॉर्निंग में निकले 6 बजे। तुम लोगों ने कैब लेट हो गए थे, कैब लेट करी तो उसी टाइम ऐप भी डाउनलोड करा तो इसको कह रहा मैं चला नहीं रहा था, ऐप डाउनलोड करा सर लेट हो गए थे। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं अमृतसर, तो हम लोग पहुँचेंगे वहाँ 2:15 करीब।
और हमारी थी ट्रेन 6:40 की। कौन सी है ये? थी शान-ए-पंजाब थी। रास्ते में दिखाते हैं थोड़ा बहुत जो भी है, जैसे भी व्यू दिखेगा दिखाएंगे, ठीक है। ये भाई स्टेशन जा रहा है सोनीपत का, सोनीपत जंक्शन। बाय बाय बंदो, मिलते हैं अगले सीजन, देखा कौन सा बनता है। ये ट्रेन हमारी है, ऐसे ये ट्रेन है हमारी। सीट दिखाता हूँ अभी कहाँ पर है। चाचा ने फोन में लगा हुआ है। पहुंच चुके हैं अब पानीपत। पानीपत में कुछ ऐसा हाल है, पानीपत लड़ाई हुई थी यहाँ पे, जाके पानीपत की लड़ाई हुई थी पानी के लिए, बस दो बूंद पानी के लिए। पानी पूरे में पानी भरा था भाई साहब, लगा रखा है वो वाला गाना, वो गा रहे थे अभी बंदे, मैं पानी पानी हो गई। नीचे देख रहे हो इतना पानी है। हाँ, सबके थोड़े छोटे स्टॉपेज है, ज़्यादा देर के लिए नहीं है, थोड़े थोड़े है। तो हमने कहा पानीपत भी घूम ही लेते हैं, और कहीं लेते हैं। अभी सोनीपत गए, फिर पानीपत आ गए, अब देखते कौन से पद जाएंगे, सारे कवर करता रहे। वो भाई तुम्हें चीज़ दिखाता हूँ, बुर्ज खलीफा दिखा रहा हूँ यार। ये है पानीपत का बुर्ज खलीफा, और अब ये दिख रहा है वो है बुर्ज खलीफा यहाँ का। यो भाई साहब यू जा रहा है कुरुक्षेत्र, देख रहे हो लाल मिट्टी में कहते नहीं दिख रही, लाल दीवार जरूर दिख रही है मेरे को। ये लाल दीवार जस्सी चाय लेने उतरा है भाई साहब, पूरे प्योर दूध की बना रहे हैं, देख रहे हो। लोग उतरे हैं कुरुक्षेत्र, टन टन यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है, हम चाय लेने गए थे कुरुक्षेत्र है, आए हम यहाँ पर जो युद्ध हुआ था भाई, युद्ध हुआ था तो कौन सा हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था ना। हाँ तो मिट्टी देख रहा हूँ, मिट्टी दिख नहीं रही वो वाली जो ज़्यादा लाल वाली मिट्टी दिख नहीं रही वो भाई, जब पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं, लाल पत्थर, लाल पत्थर दिख रहे, लाल लाल मिट्टी नहीं। इस कोच में हमने कब्जा कर लिया है भाई साहब, ये देखो बैठ गए ना, इसको सीट पर बैठ गए, देखो हमारी सीट तो कहीं और है, हम दूसरी जगह आके बैठे हैं। खाली बढ़िया ट्रेन भाई, ये कुरुक्षेत्र के फटके देख लीजिए, है ना। अरे वर ओ भाई साहब, रिवर जा रही है, बहुत ज़्यादा पानी था भाई साहब। ये देखो जंगली जंगली क्या शेर ये जा रहे हैं। जसवीर सिंह ढिल्लों कैसा लग रहा है ये सफर तुम्हें? अबे गाना गाने के लिए बोल, तो गला ठीक कर रहा है, बताना है ना कैसा लग रहा है। अच्छा हाँ तो बता, बस क्या बताएं, कैसा भी लग रहा है, ठंड बहुत लग रही है। तुम ठंड लग रही है भाई साहब, इसको मैंने बोला लोअर बंद पहन के आई, क्योंकि मुझे पता ठंड है, जींस पहन के आई हो, लेकिन लोअर पहन के आया और अपन ने जींस पहन रही है, तो भैया तो बता रहा सफर नहीं करता लड़का, इसलिए इसको पता नहीं है ना, तो ना लोगों को फैशन मार जाता है, तो इसको फैशन मार गया। मैंने कल स्पेशल बोला था भाई, जींस पहनियो मत पहनियो लोअर, उसने फिर पहन ली, गर्मी में पहन जाता है कोई नहीं, तो गाइस हम लोग उतरे हैं धीरपुर। धीरपुर में यहाँ क्रॉसिंग के लिए वहाँ बस रुक, यार बस को सफर कर रहा हूँ ना, बस को याद आया, बस नहीं ट्रेन, ट्रेन रुकी है तो टिकट मिलेगा तो जाएगी यहाँ से, जो दूसरी वाली ट्रेन जा रही है उसके चक्कर में ये नहीं गई, ये अब जाएगी, बस इसको सिग्नल मिलेगा तो अब निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन देखते हैं।
कौन सा है अभी ये दिखाते थोड़ा किस सुनसान बड़ा ये वाला स्टेशन दिखाता हूँ आपको। देखो पूरा ये पूरा है ना कितना नीचे भी है और ये पूरा ऐसा है खाली यहाँ खेत वगैरह कई हरियाली तो बहुत है अभी तक लेकिन सूरज नहीं निकला क्योंकि बंदे हमारा वेट कर रहे हैं कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए काफी देर से वेट कर रहे हैं तुम जा रहे हैं। अम्बाला स्टेशन आ गया तेरे भाई भी आ गया हाँ देख रहा है वही है ना हाँ ये देख भाई कहाँ है तू तेरे को मिलने आया फिर से मिलने आया भाई कहाँ है करण करण भाई हमारा नाश्ता ये नाश्ता करने में लग रहा है जो ब्रेकफास्ट हो रहा है ये देखो स्नैप में लगा भाई साहब इसकी स्नैप पूरी नहीं हो रही स्नैप तो पा लिए छोले कुलचे ओह आकाश देख ले मस्त लग रहे भाई देख रहा है छोले हो ओह कुलचे ओह मजा आ गया भाई 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 छोले कुलचे बड़े टेस्टी थे यार मज़ा आ गया खाने में बहुत टेस्टी थे सच में। भाई लोग हम पहुंच चुके हैं कहाँ पहुंच गए लुधियाना वो कहाँ पड़ता है चंडीगढ़ के आगे चंडीगढ़ के आगे लुधियाना लेकिन चंडीगढ़ तो पड़ा नहीं पीछे चला गया ना पिछले पे ही चले गया सो रहे थे तुम सो रहे मैं नहीं सो रहा लेकिन चल गया नींद तो मेरे को भी आ गई थी हाँ तो हम पहुँच चुके हैं लुधियाना यहाँ रुके 10 मिनट की ट्रेन 10 मिनट की रुकेगी और स्टेशन पे थोड़ी भीड़ तो है काफ़ी लोग जा रहे हैं ऊपर दिखाते थोड़ा स्टेशन कैसा है नीट एंड क्लीन है वैसे तो ये जहाँ का स्टेशन थोड़ा साफ ही है पूरा उधर पूरा वाला ना ये हम लोग ये वाले ट्रेन की बुक की है ये फ़ोन में लगा हुआ है चाचा भी घूमने आया लुधियाना हमने कहा साला चाय नहीं यही घूम लेते हैं ये खड़ी यहाँ और ये भी कौन सी खड़ी है भाई ये भी जाएगी कहीं ना कहीं तो पुलिस वाले वगैरह खड़े हैं बहुत सारे तो ये ट्रेन चल रही है चलो भाई बाय 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 भाई चल भाई ठीक है चला जा लुधियाना जंक्शन आप पता नहीं कौन जंक्शन आएंगे गया था अब देखते हैं आगे कौन सा स्टेशन आएगा प्यास तो अब जा रहे वापिस अपने जगह बेटा तेरे को ही मैंने बोला था ना पतंग के लिए पतंग पतंग करता रहेगा ये भी यही बोल रहा है बेटा पतंग उड़ रहे हैं मैं खराब हो गया पतंग देखा ही है ये उसको पतंग उड़ रही है पतंग उड़ा रहे सही आगे यहाँ भी यार अभी जोड़ी रही है तो पतंग उड़ रही होंगी सही उड़ रही है बढ़िया भाई दूर तक देखो पूरी हरियाली है हरियाली है चार्जिंग का जुगाड़ हमेशा ऐसे ही रहता है हर जगह इसका फोन चार्ज हुआ इसका बचा है और ये भाई कुछ पहनने जा रहा है तो क्या पहनने जा रहा है तू तो जींस पहनने जा रहा है कह रहे लोअर पहन के आया था अब कौन तो रेसिस्टे वाले नहीं आ रहे वहाँ जींस पहनने जा रहा है।
ये आ गया अमरसर का फाटक और यहाँ से वो कुछ पूछने वाले अमरसर गया अमरसर अमृतसर जंक्शन के यहाँ ये सब खाली बड़ा है पूरा खाली बड़ा ये आ गया अमृतसर का प्लेटफॉर्म है यहीं पे ही रुकेंगे कि लास्ट का एंड यही है जाने पंजाब जो ट्रेन है इसका एंड यही है कोली कोली खड़े होगा सारे फिर वाला गाना गाएंगे सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं वाला गाना गाएंगे सारे दुनिया का बोझ हम उठाते हैं सब सही है काफ़ी लोग हमारे लेने आए हैं जैसे अब पता नहीं हमें कौन लेने आएगा हमें तो कोई नहीं है बारे सब टेस्ट लेने आ रखे हैं तो देखो पूरा पूरा जमा पड़ा है पूरा भीड़ है वापस जाने के लिए ना भीड़ कितनी हो रही है भीड़ है वैसे कुछ लोग वापस जाने के लिए सारे लोग ना सारे वापस जाएंगे दिल्ली दिल्ली वापस जाएगी दिल्ली के वापस जाएंगे बंदों को लेने आया हूँ और भाई पापा भाजी का हाल चाल वो जैसी लोन चाचा इनको लेने आया हूँ तो बस आगे चलना वहीं है वहीं अपनी टैक्सी लगी हुई वहीं चलना है तो देख रहे हो ये बंदे हैं ना बिंदे इनको लेने गया था और ये इनको लेकर आया हूँ आगे निकले टैक्सी खड़ी है कहाँ खड़ी है टैक्सी नीचे खड़ी है अरे टैक्सी इनको 11 नंबर की बस से ले जाऊँगा 11 नंबर समझते हो ना 11 नंबर क्या 11 नंबर के नीचे है 11 नंबर 11 नंबर लेके जाऊँगा इसको और यहाँ एक कुछ स्कैम हो गया मतलब कहने का मतलब है वो कह रहा है कि बाघा बॉर्डर जाना था लेकिन बाघा बॉर्डर है पर देखो क्या होता है कर रहे अभी नीचे हम यहाँ पे हम बाहर आ चुके हैं ये आ चुके हैं वंदे मातरम भारत माता की जय इस तरीके का पूरा है नहीं 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 तो ये है अमृतसर का स्टेशन एक थोड़ी पता मुड़ा के आता हूँ भाई एक खिंचा हल्का खिंचा मारूँगा ठीक है ये हल्की पल तक मुड़ा हुआ थोड़ी सी पूजा रोनू भाई घर पे है वो नहीं भाई भाइयों के चक्कर में उड़ा ली बस मिस कर रहा था इसको दिल्ली में बता नहीं उड़ाने में लगा रहा था लो भाई धन्यवाद बड़ बड़ मजा आ गया भाई और सारी फ्री बस सेवा वहाँ तक के लिए पूरी यहाँ चलती है बिल्कुल बिल्कुल जस्ट स्टेशन के सामने से चलती है ये अंदर जा रहे हैं अभी हम तो भाई दिल्ली से अमृतसर तक का हमारा जो सफर था यहीं तक का था कैसी लगी हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे और नए बंदे हैं उनको भाई जरूर कर दे ठीक है यार पता नहीं कई लोग होते हैं वीडियो देखते हैं बस मतलब उसके बाद चले जाते हैं अबे भाई नीचे वाला जो लाल रंग का जो दिख रहा है सब्सक्राइब उसी बटन दबाना है बस उसी को इसी को करना है उसके साथ में घंटा दे रखा उसको कर देना पहले गन को बस हो गया सब्सक्राइब उससे आगे कुछ नहीं करना उसके बाद तुम वीडियो देखते रहो नई नई वीडियो देखते रहना ठीक है और इसके आगे दिखाएंगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे पूरा बताएंगे चलो इधर तक के लिए बाय।